केंद्रीय महावीर मंडल समिति के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता के आह्वान पर गांधी चौक स्थित श्री आदि दुर्गा मंडप प्रांगण में दुर्गा पूजा को लेकर एक बैठक बुलाई गई। यहां बैठक की अध्यक्षता सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू कर रहे थे। बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी दुर्गा मंडप अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए दुर्गा माता की प्रतिमा सभी मंदिरों में 4 फीट की बनाई जाएगी। वहीं दुर्गा मंडप में पूजा पंडित के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें समिति के 5 सदस्य ही शामिल रहेंगे। इधर मंडप के बाहर किसी तरह का मेला नहीं लगेगा, साथ ही भक्तजनों का दुर्गा पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश निषेध होगा। इस बैठक के माध्यम से सभी भक्तजनों से अनुरोध किया गया कि वे माता की पूजा अर्चना घर पर ही करेंगे। मौके पर केंद्रीय महावीर समिति के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक यादव, दीपक शर्मा, नागेंद्र सिंह, निरंजन गुप्ता, आदि दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, रवि पिलानिया, सूरा सुंदरी के अध्यक्ष दुलाल चौधरी, सचिव पंकज ताह, सेंट्रल पीठ पूजा समिति के भूषण गुप्ता, पपरवाटांड पूजा समिति के सचिव कमलचंद साहू, बनियाडी पूजा कमेटी के सचिव प्रमोद सिंह, बाभनटोली पूजा समिति के मनोहर सिंह और सभी पूजा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे। आचार्य जी बोलिए, बड़की मैया चाहे बृहस्पतिवार पड़े चाहे कोई बार पड़े, विसर्जन रुक सकता है, यहाँ को छोड़ दे। आपके लिए कुछ करने के लिए प्रशासन में ताकत है ना, कमेटी में ताकत है तो विसर्जन हुआ। इधर आइए। ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर केंद्रीय महावीर मंडल गिरिडीह के द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी विचार विमर्श हेतु एक बैठक आश्री श्री आदि दुर्गा मंडा मंडप काली मंडा रोड में रखी गई थी। और उस बैठक में ये अभी जो पूरे देश में कोरोना चल रहा है, बीमारी फैल रहा है, महामारी, और जो लॉकडाउन देश में चल रहा है, इसके मद्देनज़र अभी जो बीती जितना भी फेस्टिवल हुआ सब में इसका पालन सुचारू रूप से हुआ और इससे बीमारी पर कंट्रोल पाया गया। और हिंदुस्तान के लोग और खासकर गिरिडीह के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं। अभी इसका पहले गणेश पूजा हुआ, मैं विसर्जन में यहाँ हर साल 30 से 40 प्रतिमा का विसर्जन होता था, लेकिन समझदार लोग थे कि 10 से 8 प्रतिमा मात्र, सो भी छोटा छोटा प्रतिमा का विसर्जन किया, 5-5 आदमी आके विसर्जन करके चला गया। ये ऐसा बुद्धिजीवी गिरिडीह शहर है कि यहाँ के लोगों को बताना नहीं पड़ा, कोई प्रशासन नहीं बताया, मैं भी नहीं बताया, लेकिन वो लोग जब तालाब पर आया तो देख के मैं काफ़ी खुश हुआ। एक भी माइक नहीं था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, खाली गणेश भगवान की जय का नारा लगे विसर्जन। तो उसी तरह आने वाला दुर्गा पूजा जो है, और हम लोग रखे हर साल बैठक रखते हैं तो सभी लोगों को सब राय लिया गया कि कैसे क्या होगा, रांची में ऐसे हो रहा है, धनबाद में ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों को रखा गया प्रस्ताव कि इस तरह से 4 फुट का माँ दुर्गा का इस बार मूर्ति बनाया जाए। तो सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया कि नहीं, इस बार हम लोग 4 फुट का ही बनाएंगे और कम संख्या में लोग इसको मूर्ति का यहाँ पर पूजन करेंगे और मंडप में ज़्यादा मेला नहीं लगेगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगा और पूजा जो होगा सो वहाँ का पुजारी करेंगे और जो उस कमेटी के 5 सदस्य उसमें सम्मिलित होंगे, बाकी जो है दर्शन करेंगे माताएं बहनें माँ दुर्गा का, लेकिन 2 मीटर की दूरी रखते हुए मास्क लगा करके, जो एक संदेश जाए कि माँ दुर्गा भी चाह रही है कि आप लोग सावधानी से हमारा पूजा करें जिससे कि हम बीमारी आप लोग को नहीं फैले। दुर्गा माँ का भी है, देखिए कितना बड़ा है कि राजी दुर्गा मंडप का जो मैया बड़की मैया है इसके बारे में कोई विरोध नहीं कर सकता।